अगर आप ये दोनों स्मूदीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिए फिर तो गारंटी है वेट लॉस तो होना ही होना है और डायबिटीज वाले पेशेंट का हेल्थ भी अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों को बिकॉज ऑफ अनहेल्दी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण होती है, और हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज या वॉकिंग के अलावा डाइट भी एक अहम हिस्सा रखती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल टू क्विक ब्रेकफास्ट स्मूदी रेसिपी, जो सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो सकती है और डायबिटिक वाले पेशेंट इसको इजीली अपने डाइट ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये काफी हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी अपडेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं सत्तू स्मूदीज या सत्तू का शरबत। वैसे तो सत्तू नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस है, परंतु जिसे नहीं भी पता है मैं उन्हें बता दूं, रोस्टेड चना के आटे को हम सत्तू कहते हैं। तो सत्तू का शरबत बनाने के लिए एक बॉल में 2 टेबलस्पून सत्तू का आटा लेंगे और 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इस मिश्रण को एक ग्लास में पोर करेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप दही का पानी या सादा छाछ। आप छाछ की क्वांटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो। जिन लोगों को दही नहीं पसंद है तो वो पानी और नींबू से भी इसको बना सकते हैं, वो भी इक्वली टेस्टी और हेल्दी होगा। सब डाल के अच्छे से मिक्स करना है और हमारा हेल्दी डायबिटिक फ्रेंडली स्मूदीज बनके तैयार है। वैसे तो आप इसे कभी भी पी सकते हैं जब भी आपको भूख लगे, लेकिन अगर आप इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट करते हैं तो इसके फायदे डबल हो जाते हैं। इसके और भी लजीज डिशेज जैसे कि सत्तू के पराठे, कचौरी वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। ये अंदर से आपके बॉडी को ठंडक प्रदान करती है और जिसके कारण अगर आप कड़ी धूप में भी बाहर जाते हैं तो आपको लू नहीं लगेगी। सत्तू का आटा आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इनकेस आपकी जगह पे अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली आप घर पे भी बना सकते हैं। आपको बस रोस्टेड चना लेना है, वो भी छिलके वाली, और उसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेना है और आपका सत्तू का आटा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्मूदी रेसिपी की ओर, जिसमें हम रागी के आटे का इस्तेमाल करने वाले हैं। रागी को नाचनी या उत्तर भारत में मड़वा के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं, जो कि ग्लूटेन फ्री होने के कारण डायबिटीज और वेट लॉस में काफी फायदेमंद होता है। रागी स्मूदीज बनाने के लिए एक बॉल में 2 टेबलस्पून रागी का आटा और 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर एक पैन में 1 कप पानी डाल के इस मिश्रण को ऐड करेंगे और बॉयल होने तक पकाएंगे। जैसे ही मिश्रण में उबाल आए फ्लेम को लो कर देना है और 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली स्टर करते हुए चलाना है और पकाना है, और फिर लास्ट में इसे फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। रागी के ठंडा होते ही एक ग्लास में 2 से 3 टेबलस्पून रागी मिश्रण पोर करेंगे। फिर इसमें क्रश्ड अजवाइन, बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक और 1 कप छाछ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और हमारा फ्रेश ठंडी ठंडी रागी स्मूदीज बनके तैयार है। ये दोनों ही रेसिपी अपने आप में कंप्लीट बैलेंस्ड टमी फुल ब्रेकफास्ट है, जिसे अगर आप 8 o'clock ब्रेकफास्ट में लेते हो तो 11 o'clock तक आपको भूख नहीं लगने वाली है। आप भी ये दोनों रेसिपी अपने डाइट में जरूर से जरूर इंक्लूड कीजिए और फिर देखिए आपके सेहत में, आपके वजन में, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में कितना फर्क पड़ता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।